हाय फ्रेंड्स, मैं राम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा रेस 3 के ट्रेड और प्रोड्यूसर्स फिगर्स के बारे में, वो भी 6 दिनों के। जी हाँ, 5 और 1 6 दिन। और अगर हम बात करें प्रोड्यूसर ट्रेड फिगर की, प्रोड्यूसर्स फिगर 142.01 करोड़ कई साइट्स पर बता रहा है, लेकिन जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो 140.45 करोड़ कर रहा हूँ प्रोड्यूसर्स फिगर। और ट्रेड फिगर जो हुए है वो है 132.50 करोड़। अब डिफरेंस क्या है, हर चीज़ें एक साथ बताता हूँ। पहले दिन 29.17 करोड़ कमाई प्रोड्यूसर्स फिगर, और इसने ट्रेड फिगर में कमाई की 27.69 करोड़। दूसरे दिन 38.14 करोड़ प्रोड्यूसर्स फिगर, और दूसरे दिन 36.25 करोड़ ट्रेड फिगर। उसके बाद तीसरे दिन प्रोड्यूसर्स फिगर 39.16 करोड़, और यहाँ पर ट्रेड फिगर करीबन करीबन 37 करोड़। चौथे दिन जो ट्रेड फिगर था, प्रोड्यूसर्स फिगर था 14.24 करोड़, और ट्रेड फिगर था 14 करोड़। यानी कि चौथा दिन सबसे बेस्ट दिन था ट्रेड और प्रोड्यूसर फिगर के हिसाब से, जो लगभग लगभग नॉर्मल आया था। अब पांचवें दिन की बात करें तो पांचवें दिन 12.05 करोड़ के ट्रेड प्रोड्यूसर फिगर बताया गया, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गड़बड़ लग रहा था। उसके बाद कई सारी वेबसाइट से प्रॉपर अपडेट किया, 10.50 करोड़ का प्रोड्यूसर फिगर दिया, और जो ट्रेड फिगर था उस दिन वो था 9.50 करोड़ था वो ट्रेड फिगर, और जो प्रोड्यूसर्स फिगर था 10.50 करोड़, जो एकदम ठीक ठाक लगा, कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं। और छठे दिन का जो प्रोड्यूसर्स फिगर आ रहा है वो है 9.25 करोड़, और ट्रेड फिगर आ रहा है 8 करोड़। तो टोटल अगर आप देखो तो 142.01 करोड़ हो चुका है प्रोड्यूसर्स फिगर, जो बाकी लोग कह रहे हैं। लेकिन हाँ, नॉर्मल जो ट्रेड नॉर्मल जो प्रोड्यूसर्स फिगर जो हम फॉलो कर रहे हैं, जिसमें फ्राइडे का ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, जो 10.50 करोड़ ही है, वो है 140.45 करोड़, और यहाँ पर जो टोटल है ट्रेड का वो है 132.50 करोड़। यानी कि अगर डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंस जो है 7.95 करोड़ तक का आ रहा है, यानी कि सिर्फ 8 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन हाँ, अगर जो पांचवें दिन का जो इन्फ्लेशन करेक्शन था, जो 12.5 करोड़ दिखाए थे लोग, और कई सारी वेबसाइट 10.50 करोड़ दिखाए थे, वो अगर इन्फ्लेशन को अगर हम पकड़ के चले तो ये 10 करोड़ के आसपास का डिफरेंस जो है। लेकिन नहीं, वो कलेक्शन लगभग लगभग गड़बड़ है, इसलिए मैंने वो कलेक्शन नहीं पता। इवन कई सारे बड़े क्रिटिक्स ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया था पांचवें दिन का रेस्टी का कलेक्शन। जी हाँ, और इसीलिए कलेक्शन जो प्रॉपर आंकड़ा पता चल रहा है 140.45 करोड़, और ट्रेड का जो आंकड़ा है 132.50 करोड़, और 8 करोड़ का डिफरेंस अभी तक का है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन कम भी नहीं, तो एक ठीक ठाक डिफरेंस है। और मेरे ख्याल से ऐसा डिफरेंस उतना नहीं होना चाहिए, इसमें किसी का भी पता नहीं, इसलिए कई सारे रिपोर्ट्स भी आ रही इस फिल्म के अगेंस्ट में। देखते हैं क्या राय है इस लोगों की, क्या राय है आपकी, जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।